नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। सीएए को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में भरी हुंकार, डंके की चोट पर कह रहा हूं वापस नहीं होगा कानून। भ्रम फैलाकर कानून तोड़ने वालों के खिलाफ है भाजपा का जन जागरूकता अभियान। लखनऊ में सीएए कानून के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर मशहूर शायर मुनव्वर राणा की दो बेटियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बोले मुनव्वर राणा, सभी को विरोध करने का हक है, कानून से मुस्लिमों को हटाए जाने पर उठाए सवाल। लखनऊ में सीएए कानून के विरोध में घंटा घर में लगातार महिलाओं का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, विपक्ष ने उठाए सवाल। दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए कानून के विरोध में लगातार जारी है विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी पहुंचे धरना स्थल, भाजपा का पलटवार। सीएए पर मोदी सरकार के समर्थन में आए साधु संत, गांव गांव में चलाएंगे जन जागरूकता अभियान। वेब दुनिया से बोले अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी, नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करना गलत। घंटों इंतजार के बाद नई दिल्ली सीट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भरा नामांकन, परिवार भी रहा मौजूद। मां बोली इस बार 70 में से 70 सीटें जीतेंगी, आपने लगाए आरोप, जानबूझकर की गई देरी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए खत्म हुआ नामांकन, आखिरी दिन दिग्गजों ने भरा नामांकन। केजरीवाल के सामने कांग्रेस और भाजपा ने नहीं उतारे बड़े चेहरे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका, सीएए एनआरसी पर मतभेद की वजह से चुनाव नहीं लड़ेगा अकाली, गठबंधन को लेकर भी नहीं बन पाई बात, 4 सीटों की मांग पर अड़ा था अकाली दल। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की वापसी, संगठन और सरकार में समन्वय के लिए बनाई कोऑर्डिनेशन कमेटी में मिली जगह, दिग्विजय सिंह सरकार में भी बनी थी समिति। जम्मू कश्मीर में लगातार दूसरे दिन सेना के साथ आतंकियों की मुठभेड़, सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया, 2 जवान भी हुए शहीद। गुजरात के सूरत में कपड़ा बाजार में बड़ी आग, अब तक करोड़ों का नुकसान, आग बुझाने में जुटे सैकड़ों दमकल कर्मी, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। जेएनयू में फिर छात्र के साथ मारपीट, हॉस्टल में घुसकर एबीवीपी के छात्रों पर मारपीट का आरोप, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। राजगढ़ कलेक्टर के बचाव में कमलनाथ सरकार, बोले मंत्री पीसी शर्मा, कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर को देता हूँ बधाई, सरकार दोनों अधिकारियों के साथ गुंडे और बदमाशों से निपटना जानती है दोनों महिला अफसर। राजगढ़ मामले पर हमलावर हुई भाजपा, घायल हुए भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, प्रदेश सरकार पर बोला हमला, बुधवार को राजगढ़ कूच करेंगे भाजपा के दिग्गज नेता। भोपाल में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, पॉश कॉलोनी में 2 विदेशी लड़कियों के साथ बैंक मैनेजर समेत 4 गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच की कार्रवाई। देवास में जिला योजना समिति की बैठक में जमकर हंगामा, मंत्री जीतू पटवारी ने भाजपा सांसद पर लगाया अपमान करने का आरोप, कहा कि समय आने पर सबक सिखाएंगे, सांसद का पलटवार, कोई अपमान नहीं किया। इकोनॉमी को लेकर आईएमएफ के अनुमान पर मोदी सरकार पर हमलावर हुई कांग्रेस, बोले चिदंबरम, अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथन को आलोचना के लिए तैयार रहना चाहिए। ठंड से नहीं मिल रही लोगों को राहत, पहाड़ों पर लगातार जारी है बर्फबारी, मैदानी इलाकों में जारी है शीतलहर, मध्य प्रदेश में मौसम ने ली करवट, भोपाल सहित कई जिलों में बूंदाबांदी। आलिया भट्ट ने किया उन खबरों का खंडन, खबरों में कहा गया था कि गंगूबाई काठियावाड़ी के सेट पर उन्हें लगी चोट, आलिया का कहना है कि वे ठीक है और शूटिंग कर रही है। अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की फिल्म चेहरे की रिलीज डेट बदली, यह मूवी अब 17 जुलाई को रिलीज होगी, पहले 24 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी फिल्म, गुलाबो सिताबो के मेकर्स के कहने पर बदल दी तारीख। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर और इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।